प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किस तरह का ये बंद रहेगा और आपको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ली गई, इसमें भी देखा गया कि सिर्फ आप ही लोग थे, कुल जमात के लोग, जिस तरह से कहा गया, क्या कुल जमात के लोगों ने आप लोगों को समर्थन के लिए कोई ऑफिशियल लेटर वगैरह दिया है? देखिए, ऐसा है कि जितने भी लोग हैं जो बाहर से समर्थन हमेशा टोरेंट के विरोध में रहते हैं, उन लोगों का हमेशा बोलना है कि हम टोरेंट के मुद्दे में सबको मिलकर आना चाहिए। आप ही मीडिया और प्रिंट मीडिया कई दिनों से दिखा रही है, हर पार्टी हर तंजीम इसके मामले के विरोध में। ऐसी हमारी कई लोगों से जबानी चर्चा हुई कि आप लोग इसके लिए पहल करिए, हम साथ में। लेकिन माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और आपके माध्यम से ये बताना चाहते कि हम टोरेंट की पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं, सिर्फ कोविड की महामारी की वजह से ही थोड़ी सी ढिलाई थी और आज कोविड का कम हुआ है। आप हाल ही में देखें कि जर्मनी में भी 2 महीने का लॉकडाउन वापस से लग गया, लेकिन हमारे देश में कोविड की महामारी कम हुई है। कई चीज़ों के मुद्दे पर अलग अलग लड़ाई लड़ी जा रही है और टोरेंट अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है, लोगों को बिल ज़्यादा भेज रहा है, फॉल्टी मानता नहीं है और कार्रवाई की नहीं जाता। इसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि मुमरा कौसा की हर आवाम के साथ मिलकर जब तक के टोरेंट का मसले का हल नहीं निकलेगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम इस टोरेंट के मसले को हल करके रहेंगे और नहीं हल टोरेंट ने किया तो टोरेंट को कलवा मुमरा से जाना ही पड़ेगा, उसकी विदाई का टाइम हो चुका है। बस क्या है इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा है, कोर्ट पे गए हैं? मेरी आवाम और हमारे जितने भी अध्यक्ष शमीम खान जी, हम लोग सब मशवरा कर चुके हैं, डेट पे माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सरकार से बात करके खाली मोहर देना है डेट की, बाकी विदाई तय हो चुकी है। अगर आवाम को सोल्यूशन नहीं की, मुमरा कौसा की आवाम को राहत नहीं मिली, मैंने पहले भी कहा था जब हम लोग ने कैंप लगाए, हमने कैंप लगा के 1200 लोगों की कंप्लेंट लिए, हमने कहा उनको 80% लोग भी आपकी जो सर्विस है और आप उनकी शिकायतों को आपने सोल्यूशन कर दिया तो आप सक्सेस है, हमें कोई दिक्कत नहीं। टोरेंट टाटा रिलायंस हमारे से हमको ना ही किसको कोर्ट के लिए, हमने सुहासोक वकील से हमारी पूरी प्रक्रिया हो गई, उन्होंने कोर्ट में अर्जी की भी बात, मतलब अर्जी सबमिट करेशन की बात की है, सुनिए, पिटिशन डालने के लिए, और फरवरी में उन्होंने हमको ये कहा कि फरवरी के अंदर शानू भाई टोरेंट के विरोध में संघर्ष, सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट और इत्यादि और हमारे कुछ संस्था मिलके फरवरी में हम कोर्ट में पिटिशन भी दायर करके आपको सब उसकी डिटेल भी देंगे। लेकिन सरकार हमारी है, हमारे मिनिस्टर साहब जितेंद्र अवार्ड साहब है, हमारे नगर सेवक है, हम ये देखना चाहते कि इस मुद्दे के ऊपर हमारे से सरकार के माध्यम से और हमारे रोड पे लड़ाई में हम कहां तक पहुंचते। हमको किसान आंदोलन की तरह इसको लड़ना पड़ेगा। ये एनसीपी की बस की बात, खाली एनसीपी की मत समझिए आप, हमको पूरी आवाम को घर से बाहर आना पड़ेगा, पूरे व्यापारियों को, पूरी संस्थाओं को, सबको मिलकर टोरेंट को भगाना पड़ेगा। आपने देखे होंगे दशरथ पाटिल जी या कोई भी मामला हो टोरेंट का, हमने हमारी पार्टी को अलग रखते हुए हम उस लड़ाई आंदोलन में पहुंचे, कोई कुछ भी बोले, हमने ये नहीं देखा क्या शानू भाई, बीजेपी की सरकार में टेंडर हुआ था लेकिन उस वक्त जो है आपके पार्टी ने कहा था कि हम इसे हमारी सरकार आने के बाद इसे रद्द कर दिया जाएगा, तो क्या माना जाए, क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है आखिर? सबसे बड़ा मामला यही बता रहा हूँ मैं आपको, आप ये देखिए कि कोविड जो सरकार आई, भरोसा किया उस वक्त कि आप रद्द करेंगे, लेकिन आप भी वैसे ही कर रहे हैं बीजेपी की तरह, तो फिर फर्क क्या? तो लीजिए, सरकार आई, साथ में कोविड भी तो आया। आप ये बात देखिए ना, जिसके नेतृत्व में मुमरा कौसा के हम लोग लड़ाई लड़ रहे, उनका पूरा घर कोविड में हुआ, कई महीनों मतलब उनको 22 दिन हॉस्पिटल में, कई महीनों उनको उनके रिकवर होने के लिए उनको लगा। ये आप देखिए, एक आदमी को कोविड में आने के बाद कई दिनों तक 25 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद, कई इंजेक्शन लगने के बाद वो फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं हो पा रहे थे, उनके परिवार को कोविड, एक पूरे उनके जितने भी स्टाफ उनको कोविड, कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस हुआ। और जिसके मार्गदर्शन में, जिसके नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ते, उनकी सेहत के ऊपर देखा जाए, हमारे विरोधी पक्ष नेता उनके शौहर की देह तो कोई सुने, चुनाव बहुत दूर है, चुनाव का देखे तो हमारी आवाम को हम लोग छोड़ दे क्या ऐसे, आप समझिए, टोरेंट के पहले सोचना।
आवाम के लिए कितना सही होगा, कितना नुकसान। टोरेंट कोई भी इंटरनेशनल लॉ है, कोई भी टेंडर को रद्द करने के लिए एस पर टेंडर टेक्निकल पॉइंट का आधार लेके उसको रद्द किया जा सकता है। तो अगर टेक्निकल पॉइंट आपके पास टेक्निकल पॉइंट नहीं रहेगा तो आप कोर्ट में कैसे जाएंगे? टेक्निकल पॉइंट है ना, जभी तो कैंप लगाए, टेक्निकल पॉइंट है जभी तो कैंप लगाए थे, जब कैंप में लोगों ने शिकायत दिया। इतने प्रूफ इकट्ठा किए उनके, अभी हमने कैंप में उनका शिकायत लिखा, वो सब लेकर जाओ ना, आप रद्द करवाओ ना। जा रहे, ये लड़ाई बड़ी है और इसको लड़ाई को जीत के ही रहेंगे, और जब तक के जमीन पे लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे और सरकार के साथ बात करके जब पड़ा तो सरकार से भी अपने मुमरा की आवाम के नहीं लड़ेंगे। जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया ना, बीजेपी ने तो लाई एग्रीमेंट हुआ, लेकिन जनता ने आप पर विश्वास किया, आप लोगों ने कहा कि हम रद्द करेंगे, इस वजह से आप सत्ता में आए, और अब आप बीजेपी पर ठिकड़ा फोड़ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्लेम करना तो बहुत आसान होता है। आपकी सरकार है, आपके खासदार है, आपके नगर सेवक है, आपके मंत्री हैं, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? आपने सवाल किया है ना, उसका जवाब बरोबर देता हूँ मैं। आप टेंशन मत लीजिए जरा सा भी, ऐसा आप सहाफी है, आपको पूरा अख्तियार है सवाल करने का। इसको आप मानते हैं, ये जो ऑर्डर हुआ, ये जो टोरेंट आई हमारे शहर में, ये किसकी गवर्नमेंट में? मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब दीजिए इस्लामुद्दीन भाई। आप सवाल करते थे अक्सर हमसे, आपने कहा था ना, आप बात घुमाइए मत, आपने कहा था ना कि हम हमारी सरकार आएगी तो हम कैंसिल कर देंगे। आप कैंसिल करो ना, ये मोर्चा, ये आंदोलन, ये ताला लगाना। आप अक्सर मोबाइल लेकर के जाते हैं पब्लिक के बीच में, ठीक, अच्छी बात है, साहबी आप, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो ये जो ऑर्डर आया, जो टोरेंट को फाइनलाइज किया, तो किसकी गवर्नमेंट थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट लाई? सुनिए, सुनिए, जनता बीजेपी से परेशान हो गई, फिर आप भी बीजेपी, सुनिए, ये ऑर्डर बीजेपी गवर्नमेंट लाई, 20 साल के लिए लाई, 20 ईयर्स के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लाई, उसके खिलाफ हम लोगों ने पिटीशन डाल दिया, और जब हमने ये देखा कि ये कहीं ना कहीं मनमानी करती जा रही है, इनके बिल का रीडिंग और सब चीज मनमानी हो रही इनकी, तो हम लोगों ने जन आंदोलन का ऐलान किया। अच्छा, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कुछ हो रहा है क्या? आंदोलन हो रही, कुछ हो रहा है? कैंप लगाया गया था क्योंकि लोगों के, जैसे भी मैंने कुछ टाइम पहले इकबाल भाई आपसे एक बात का पत्रकार भाई के सामने कि मंदिर और मस्जिद का भी बिल आप जानते हैं कि 6 महीने तक ये बंद था, लेकिन 6 महीने बंद होने के बाद भी इनका बिल 10,000-12,000 मंथली आया, तो ये इनकी जो बिल की मनमानी की गई उन्हें देखते हुए हम लोगों ने कैंप भी लगाया, शानू भाई ने दरगाह रोड पे कैंप लगाया, लेकिन उस कैंप के अंदर भी वादा किया था टोरेंट के द्वारा ऑफिसरों ने जो तरीके से उसे सोल्यूशन निकालने की बात की थी, वो भी उस तरीके का काम नहीं किए, ये इनकी मनमानी है। रही बात, आपने कहा कि मैंने जवाब दिया आपकी बात का कि बीजेपी गवर्नमेंट थी, वो इसको हमारे शहर में लेकर के आई है, लेकिन लड़ाई जारी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर जितेंद्र राव साहब के नेतृत्व में। हम खामोश ना बैठे हैं, न बैठे थे, न बैठेंगे। नहीं, एक तरफ आप लोग टोरेंट के लिए ताला खरीद के रखे हैं लगाने के लिए, दूसरी तरफ टोरेंट के ये स्कीम आएगी तो जनता को फायदा होगा, तो टोरेंट के लिए स्कीम भी बता रहे हो, फिर सुनिए, हमारी कोशिश है कि हमारी आवाम को किस तरीके से फायदा पहुंचे। अगर देखिए लाइट की बात अगर मैं आपसे कहूं तो लाइट में कहीं ना कहीं सुधार है। रही बात बिल की, तो बिल में सुधार क्या? बिल में तो एमएससी डीसीएल से ज्यादा मनमानी इनकी हो रही है, उसमें कोई सुधार नहीं है। हम लोगों ने जो कैंप लगाया, हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र राव साहब ने जो एमडी के साथ मीटिंग किया, हमारा मकसद है और मकसद था कि अगर लाइट में सुधार है तो हम इनके बिल का भी सुधार करें, जो इनकी मनमानी के तहत बिल चल रही है उसको स्कीम के तहत ला करके
उसके अंदर जैसे भिमंडी में योजना के तहत काम हुआ था, इस तरीके से सुधार करके यहाँ पे भी मुमरा कौसा की भी जनता को इसकी राहत मिले, ऐसी हमारी कोशिश है। आप लोग कलवा मुमरा सील बंद का ऐलान किए हैं, दीवा भी है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं एनसीपी के ही खिलाफ है, आप ही लोगों को दोषी मान रही है टोरेंट जनता के खिलाफ है। आप लोगों जनता अगर खिलाफ भी करेगी, जनता अगर खिलाफ होती तो तीन तीन टाइम हमारे नेता यहाँ से एमएलए और इतनी अच्छी लीड से नहीं जीतते। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास 18-18 नगर सेवक नहीं होते। जनता हमारे खिलाफ नहीं है, जनता हमारे साथ है और जनता इस बात को जानती है कि ये डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के सिपाही हैं, ये लड़ेंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ दिला करके रहेंगे, ये हमारी पूरी कोशिश है। लोग ये भी तो कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, आप लोग दिखावा कर रहे हैं। एक मिनट, चुनाव आ रहा है, हम दिखावा कर रहे हैं? जो कह रहे हैं जरा उनसे पूछिए उन्होंने क्या किया। हम लोगों ने तो टेक्निकल तरीके से मीटिंग ली, हम लोगों ने टेक्निकल तरीके से बात किया, लेकिन जो दिखावे की बात कर रहे हैं, कोई एक सदरी, कोई एक शेरवानी पहन करके कहते हैं कि ये चमचे हैं जितेंद्र रावत साहब के, ये चमचे क्या करेंगे? अरे चचा आओ तुम भी 21 तारीख को, ये चमचे नहीं है, ये उस ये शहर के खातिम है, जितेंद्र रावत साहब के सिपाही हैं और जितेंद्र रावत साहब को इसी शहर में नेता बनाया है और इसी शहर में उनको एमएलए बनाया है और इसी शहर को मिनिस्टर है। जितेंद्र रावत साहब के आदेश अनुसार ये प्रोग्राम किया जा रहा है, मत लगाओ झूठा इल्जाम किसी पे, अल्लाह ताला को तुमको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आप लोग हर बार बोलते हैं कि जनता आएगी, लेकिन सिर्फ आंदोलन में गलत कह रहे हैं आप। इस बार सुनिए, आपको 21 तारीख को आपने एक सवाल किया हमारे साथ, अभी आपने एक सवाल किया हमारे शामिल भाई से सवाल किया आपने कि आपके साथ कुल जमात, मैं आपको इसको जवाब देना चाहता हूँ। ये सवाल मुझसे नहीं किया लेकिन आपसे मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कुल जमात की जानिब से हमारी मीटिंग हुई है इंदौर भाई, और कुल जमात आपको 21 तारीख को सुबह 11 बजे शहर में भेजेगी। कोई तंजीम ऐसी नहीं है जो इसके सपोर्ट में नहीं है, कोई शहर का एक आम नागरिक ऐसा नहीं है जो इस टोरेंट के खिलाफ नहीं है, कोई माँ बहन, सुनिए आपने सवाल किया है, कोई भी एक माँ बहन ऐसी नहीं है जो इससे खुशहाल है, कोई पत्रकार भाई ऐसा नहीं है जो इससे खुशहाल है, कोई कहता है कोई नहीं कहता है, और जनता का दर्द हमारे लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि इसी जनता ने हमको वोट दिया है, इसी जनता ने हमारे नेता को मिनिस्टर बनाया है, इसी जनता ने हमारे लोगों को नगर सेवक बनाया है। जनता के लिए मर भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, और 21 तारीख को इनको बताएंगे जनाजा निकाल करके इनका टोरेंट का इनका जनाजा निकलेगा। हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिसमें ताकत आके रोक ले, चैलेंज देता है शमीम खान, बातें जो होती है कि शमीम खान ने ये कहा, श्रीराज कहता हूं मैं 21 तारीख को टोरेंट का जनाजा निकलेगा राष्ट्रवादी विधानसभा के ऑफिस से, और उसको जिसमें है दम आके रोक ले, और उसमें हमारे नगर सेवक और कुल जमात के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथ और ऑल पार्टीज के साथ मैं चचा को भी दावत देता हूं जो शेरवानी पहनते हैं, उनसे भी कहता हूं आप भी आइए डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के नेतृत्व में कुल जमात की क्यादत में आइए, हम सब मिलकर के प्लेटफॉर्म पर आकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह की चादर पूरा और पूरा यकीन रखता हूँ, पूरा एतमाद रखता हूँ कि हासिल होगी। जुमला नहीं था, जुमला मत करो मैडम, जो मैंने कहा था आज फिर उसे दोहराता हूँ, मैंने कहा था अगर टोरेंट हमारे शहर में आने की कोशिश करेगी तो हमारी आवाम के साथ हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। सुनिए, आपने सवाल किया ना, जवाब नहीं मुझसे उसका, लोग हमारी वीडियो को मुबारक करते हैं ना, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज फिर शमीम खान वही कहता है कि बीजेपी सरकार ने जो ये मामला पैदा किया ये हमारी सरकार ने नहीं लाया, लेकिन ये कोरोना काल के अंदर हम लोगों के लिए सबसे अहम जरूरी चीज ये थी कि लोग की हेल्थ को देखें, लोग बीमार थे, लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, हमारे घरों में मैयत हो रही थी, हम पहले उसको देखते थे कि पहले लड़ाई लड़ते हैं हम इसकी, लेकिन हमने टेक्निकल तरीके से काम किया और 21 तारीख को
जनाजा हम निकालेंगे टोरेंट का। बीजेपी ने किया था बहुत टाइम पहले से। तब हमारी सरकार नहीं थी, हमारे एमएलए थे और हमारे एमएलए ने नागपुर एग्जीबिशन के अंदर मैं शानू प्रधान, शेख खान, सुफियान खान भट्टू, डॉक्टर शाह, हम लोग हमारे मिनिस्टर हमारे एमएलए साहब के साथ में नागपुर के सीढ़ियों बैठ करके आंदोलन किए थे। मैडम आप उठाओ और देखो पुराना रिकॉर्ड।